अभानी में जो पढ़ने जा रहे हैं वो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रायः परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम गणित पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें फार्मूले सामने दिखते हैं। क्या बिना फार्मूले के भी गणित लगाई जा सकती है? क्या बिना फार्मूले के गणित पढ़ी जा सकती है? जी हाँ, अगर हम और आप थोड़ी सी मेहनत करें और मेहनत के साथ पढ़ना शुरू करें तो बिना फार्मूला बिना किसी नियम के भी गणित पढ़ी जा सकती है, गणित लगाई जा सकती है। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एक बार उसे आप समझ लीजिएगा। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो यकीन मानिए गणित आपको एकदम आसान एकदम हलवा लगेगा। आइए देखिए कैसे। जैसे कोई वस्तु हम उठाते हैं, दुनिया की कोई वस्तु, वो अपने आप में सदैव शत प्रतिशत होती है। क्या होती है? अपने आप में वह शत प्रतिशत होती है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कोई वस्तु उसी का मूल्य, माने दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हम और आप जानते हैं वो अपने आप में शत प्रतिशत होती है, वो अपने आप में 100% होती है। जब कोई वस्तु अपने आप में 100% हो, अपने आप में 100 हो, तो फिर आगे क्या होगा? आइए देखते हैं। अगर इसमें लाभ होगा, अगर इसमें लाभ होगा या इसे महंगा बेचा जाएगा या इसमें वृद्धि होगी तो हमेशा 100 से ज्यादा होगा, वो हमेशा क्या होगा? 100 से ज्यादा होगा। माने जब हम लाभ की दशा में देखते हैं तो हमेशा क्या होता है? परसेंटेज बढ़ता है। माने यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा, ठीक। लेकिन अगर हम इधर आते हैं, बाई तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज माइनस होता है, ये हानि होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है, हमें 100 प्लस 100 माइनस, यही दो बातें देखना है। माने हमारी जो पूरी क्लास चली गई बिना किसी नियम फार्मूले के, वो 100 प्लस माइनस 100 पे चलेगी। आज का जो टॉपिक का सवाल होगा, अगर कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार किसी वस्तु को कुछ रुपए में लेकर उससे ज्यादा या कम में बेचता है, तो उसके जो परसेंटेज का अंतर निकलता है, उस अंतर के आधार पर जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को सही करना हमारे लिए चुनौती होती है। लेकिन जब किताब की भाषा में प्रश्न लगाते हैं तो इस तरह के सवाल एक एक पेज में लगते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब हम परीक्षा हाल में जाते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते ये सवाल लगेगा कैसे। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे और आपके बीच आती है वो आती है लैंग्वेज, भाषा। क्योंकि जो गणित की भाषा होती है, जो गणित की लैंग्वेज होती है, वो गणित की भाषा और लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर देखने को प्रायः मिलता है। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़िएगा, लोगों को शेयर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, और उस क्लास में हम आपको बताते चलते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, गणित की पूरी सीरीज हमारी पढ़िएगा। यकीन मानिए गणित से आपका जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर मैंने कहा कि एक दुकानदार कोई वस्तु 112 माने 12% लाभ लेकर बेचता है, तो 12% लाभ लेकर मतलब वह 112 में बेचता है। कितने में? 112% बेचता है। अगर उसकी जगह वह 15% लाभ लेकर बेचना चाहे तो 15% माने 115%। अगर कह दिया जाए कोई दुकानदार एक वस्तु को 4% हानि पर बेचता है, माने 4% हानि माने 96%। हमें लाभ माने 100 में जोड़ देना है, हानि कह रहा है तो 100 में से घटा देंगे, माने जो पूरी थ्योरी हमारी चलेगी इसकी वो 100 प्लस माइनस पर चलेगी। किस पे चलेगी? 100 प्लस माइनस पर चलेगी। अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखिएगा सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ की जगह 12% लाभ की जगह जब वह 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, तो उसे 12 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसे 12 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? इस तरह के सवाल बहुत ही आसान तरीके से हम और आप लगा सकते हैं। कह रहे हैं कि दुकानदार सामान को 12% लाभ लेकर बेच रहा था। भाई जब 12% लाभ लेता, मुझे पता ही नहीं कितने बेच रहा था,
लेकिन हाँ, जैसे उसने लाभ को 15% किया, तुरंत हमें ये पता चल गया अब उसे 12 रुपए अधिक मिल रहे हैं, बात समझिएगा, और उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा। अब तो कहेंगे सर ये तो माना यक्ष था, यक्ष वक्ष नहीं मानेंगे, यक्ष मानेंगे सवाल काफी लंबा हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा, और यक्ष वक्ष मानेंगे तो गणित बोरिंग लगेगी, लेकिन हमें गणित को बोरिंग नहीं करना है, हमें गणित में अच्छे अंक अर्जित करना है। आइए इस तरह के सवाल को हम लोग हल करते हैं, समझा बुझा कर, समझ कर, ताकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न कभी गलत ना हो। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए जब वो दुकानदार उस सामान को 12% का लाभ लेकर बेच रहा था तो 112% पर बेच रहा था। अब ये पता ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि 112% जब 12% लाभ लेकर बेच रहा था तो वस्तु कितने में बेच रहा था, ये तो पता नहीं है। क्या आपको पता है? नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि जैसे उस बंदे ने उस वस्तु में लाभ को 15% किया, माने 115 पे बेचा, उसे कितने रुपए अधिक मिले? 12 रुपए। कितने रुपए? 12 रुपए। तो हमने ये देखा, यहां पे हमने ये सीखा कि यहां पे 3% जब लाभ अधिक लिया गया उसे कितने रुपए अधिक मिले? 12 रुपए। तो 1% बराबर, क्योंकि 1% में लगातार पढ़ाते आ रहा हूं, अगर मेरी रेगुलर क्लास पढ़ रहे होंगे, लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे, तो यह आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 12/3। क्रय मूल्य पूछा है तो भैया किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो जो वस्तु का मूल्य निकला वो क्या निकला? 400। क्या निकला? 400 रुपया निकला। माने जो वस्तु था वो कितने का था? 400 रुपए का था, ठीक। उसका जो क्रय मूल्य था वो 400 रुपया। मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, ध्यान से इसको समझिएगा, और उम्मीद करता हूं गणित से जो आपका डर है वो धीरे धीरे निकलना चाहिए। कह रहा है कि एक वस्तु को जो 12% लाभ की जगह 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 12 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो समझिए प्रश्न को कि जब जो वस्तु था 112% में बिक रहा था तो पता नहीं कितने का बिक रहा था, मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, लेकिन जैसे वो 3% अधिक अर्थात 115 पर बेचा उसे 12 रुपया अधिक मिला। माने हमें ये ज्ञात हो गया कि 3% बढ़ाने पर 12 रुपया बढ़ गया, तो 1% बढ़ाने पर 12/3। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा अपने आप में 100% होता है, इसलिए इसको हमने क्रय मूल्य निकाला, सीपी निकाला, 400 रुपया आ गया। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ गया। जी हाँ, समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल लिखिएगा, अब अगला सवाल लिखिएगा, क्योंकि हमें लगातार इस तरह से पढ़ते हुए और आगे की तरफ पढ़ते रहे। एक दुकानदार एक वस्तु को जब 4% हानि की जगह 9% हानि पर बेचता है, 9% हानि पर बेचता है, 4% हानि की जगह 9% हानि पर बेचता है, तो उसे 35 रुपए कम प्राप्त हो, तो उसे 35 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहां से एक प्रश्न और बना सकते थे हम, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप लोग इसे हल करेंगे या मैं हल करके इसे बताऊं? देखिए सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके सामने ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन करेंगे आपको सारी चीज़ें हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया, अगर आपको ज्वाइन करना है उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधित आप जानकारी यहाँ से एकत्रित कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग आराम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक दुकानदार है,
एक वस्तु को, जो वस्तु को कितने बेचता है, बात को ध्यान समझिएगा, वो वस्तु 4% हानि का बेचता है। 4% हानि का मतलब वो उसे बेचता है 94%। क्लियर? लेकिन वह 94 की जगह जैसे उस वस्तु को 9% माने अब उसे 91% बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं? कम मिले, मतलब घाटा ज्यादा होने लगा भैया। अगर वो 4% हानि की जगह वो 9% हानि पर बेचेगा तो नुकसान बढ़ेगा 35 रुपए। कितना कह रहा है? 35 रुपए। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि जिसका परसेंटेज का अंतर होगा वो कितना होगा, 91 से 94 गया तो 5%। हमने देखा 5% बराबर 35 रुपए, 1% बराबर 35/5। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100%। ये आपको मैंने कई बार बताया, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 7 × 100 करेंगे तो 700 रुपया। वस्तु का जो क्रय मूल्य निकला वो निकला आपका 700 रुपया। वस्तु का जो क्रय मूल्य निकला वो कितना निकला, वो 700 रुपया निकला। क्लियर? अच्छा, 4% की हानि, चार परसेंट की जब हानि होगा तो ये होगा 6, और 9% बेचा है ना, तो 91 में से 96 कितना होगा, 5। सही, ठीक है, सॉरी गलती हो गई थी। ठीक है, सही हो गया ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आपने इसका क्रय मूल्य आसानी से निकाल लिया। अब इस प्रश्न को हम और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इस प्रश्न में हम थोड़ी सी और चीजें जोड़ेंगे और ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक, तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आएगा? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना? प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट सभी लोग लिखिएगा, लिखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 4% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे 154 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसे 154 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यदि वह उस वस्तु को 20% लाभ लेकर बेचना चाहे, तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, या वस्तु का नया अंकित मूल्य क्या होगा? प्रश्न को मैं रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को जब 4% हानि की जगह 10% का लाभ लेकर बेचता है तो उसे 154 रुपए अधिक प्राप्त। यदि उस वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सभी लोग चित्तलु इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। ये क्लासेज जो है वो प्री क्लास के लिए चल रही है, जो लोग प्री क्लास के मेंबर हैं उनके लिए क्लासेज चल रही हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लोगों तक पहुँचाइएगा, बताइएगा। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पर ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर
प्रैक्टिस सेट आदि के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। और आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्लास से संबंधित अन्य कोई सवाल नहीं, फटाफट इसको लगाइए, लगा के उत्तर दीजिए जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। हमने कहा था कि एक दुकानदार एक व्यक्ति एक वस्तु को जब 4% हानि के जगह 10% लाभ लेकर बेचता है तो जो वस्तु है उसे 154 रुपये अधिक प्राप्त होता है। अगर उस वस्तु को 20% का लाभ लेकर बेचना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। इस तरह के जो सवाल होते हैं उन्हें लगाना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी अगर हम आप मेहनत करते हैं इस तरह के सवाल हम आसानी से लगा लेते हैं, आसानी से हल कर पाते हैं। तो चलिए आइए हम भी आपके साथ हल करते हैं और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें तथ्य को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार है वो एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है, माने 100 में से अगर 4 निकाल देंगे वस्तु कितने में बेच रहा है, वो 96% में बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 96% बेच रहा है। लेकिन जब वस्तु को 96% बेच रहा है 4% की कमी पर बेच रहा है तो पता नहीं उसे क्या होता, नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति क्या करता है, लाभ अर्जित करता है, 10% का जब लाभ लेकर बेचना चाहता है तब उसे कितना रुपया अधिक मिलते हैं, तब उसे 154 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। उसे 154 रुपये अधिक मिलते हैं, 154 रुपये अधिक। क्लियर? आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि 96 में से 110 गया तो कितना परसेंट होगा, 14% बराबर 154। 1% बराबर 154/14। अब यहीं से सवाल आपका नया मोड़ लेगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछता, अगर इसी प्रश्न में इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे गुणे 100 करते। लेकिन प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्न को मैं रिपीट करता हूँ कि एक दुकानदार एक वस्तु को जब 4% हानि की जगह 10% का लाभ लेकर बेचता है उससे 154 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यदि वो उस वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, 20% का लाभ तो भैया 20% अधिक अंकित करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 120। क्रय मूल्य पूछता तो बोले 100 लिखते, बस इतनी बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, कभी आपके सवाल गलत नहीं। बिना कोई नियम बिना कोई सूत्र, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते चल रहे हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग को इस तरह के सवाल लगाने, ठीक है। देखिए कैसे हम 14 × 14 = 14 × 14 = 14 फिर 12 × 11 = 125। माने वस्तु जो था वह 1320 रुपये का, अब वो उसका जो अंकित मूल्य रखेगा वह 1320 रुपये। क्लियर? अगर यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा होता कि भैया वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा तो हम क्या लिखते, जो क्रय मूल्य अगर पूछता कि भैया उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, यहाँ पे हम 154/14 × 100 करते तो 100 करेंगे तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकलेगा वहां पे, इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्या आप लोग को, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या आप लोग को तथ्य समझ में आ गया? अगर आ गया है तो फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा ताकि हम लोग अब आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्लियर? अब एक दो प्रश्न हम और करते हैं, उसके बाद ये आज की सीरीज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम लिखिएगा। एक व्यक्ति एक रेडियो को 12% हानि की जगह 12% हानि की जगह 5% का लाभ लेकर जब बेचता है तो उसे
₹51 अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसे ₹51 अधिक प्राप्त होते हैं, ₹51 अधिक प्राप्त होते हैं। यदि वह उस वस्तु पर 15% का लाभ लेना चाहे, यदि वह उस वस्तु पर 15% का लाभ लेना चाहे, तो जो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 12% हानि की जगह जब 5% का लाभ लेकर बेचता है तो उसे ₹51 अधिक प्राप्त होता है। यदि वह उस वस्तु पर 15% वस्तु माने उस रेडियो पर 15% का लाभ लेना चाहे, तो उस रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए, आपको सवाल की भाषा लगातार समझते चलिए, ताकि जब हम परीक्षा में बैठे, जब परीक्षा वाले सवाल आए, तो वहां पे हमसे गलती हो ना, वहां पे कोई समस्या हो, हम आसानी के साथ इन सब तरह के प्रश्नों को लगा सके और बेहतर स्कोर कर सके। ये हमारा और आपका पहला टारगेट हो। तो फटाफट सभी लोग जवाब दें, जितने लोगों ने लगा लिया है प्रश्न को, वे सभी लोग जवाब दें क्या होगा, बताइए आप लोग। नहीं बताएंगे तो हम ही बताएं, चलिए हम ही बताते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि एक वस्तु को एक दुकानदार 12% की हानि पर बेचता है। जब 12% हानि पर बेचेगा तो क्या होगा, 12% हानि माने वो उसे 88% बेचता है। 12% का मतलब वो हानि में माने 88% पर बेचता है। क्लियर, 100 से कम हो जाएगा। लेकिन जब उसे 5% का लाभ लेकर बेचना चाहता है, 5% का माने 105। अब उसे रुपए में कितने अधिक मिलते हैं, 51। क्या मान रुपए हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्लियर। अब आगे जो है हम लोग को ये देखना है कि डिफरेंस कितने का है। हमने यहां देखा कि 17% बराबर 51 रुपया, इन दोनों का जो अंतर निकला वो कितना निकला, 17%, और 17% बराबर 51 रुपया, 1% बराबर 1% बराबर 51/17। यहां पे कुल पूछा है कि भैया जी, कुल पूछता तो क्रय मूल्य 100 होता, यहाँ पे अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 है, लेकिन कह रहा नहीं नहीं उसे 20% अधिक पे बेचना चाहे तो वस्तु कितने की बिकेगी, तो 20% के लिए क्या करेंगे, 15% 115 पे बेचेगा तो 115। अब अंकित मूल्य क्या रखेगा, तो बस सेम है, 17 का 17 क्या मतलब 3 × 115 करेंगे तो 345 रुपया। तो जो वस्तु होगा, वस्तु वह उसका जो क्रय मूल्य होगा, सॉरी अंकित मूल्य होगा, वह होगा 345 रुपए। तो उम्मीद करते हैं ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वे आपको समझ में आ गए। क्लियर, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं उनको ये तथ्य, उनको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके समझ में आ गया। गणित की बेसिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करिए गणित में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, गणित में कोई समस्या नहीं हो गया, दिक्कत या कोई समस्या नहीं है तो लिखिएगा, एक सवाल और लिखिएगा, फिर मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर समय आपका नहीं लेना चाहिए। एक सवाल और लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा जो भी लाइव देख रहे हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 23% लाभ की जगह 23% लाभ की जगह 17% लाभ की जगह 17% का लाभ लेकर जब बेचता है
तब उसे 600 रुपए कम मिलते हैं, तब उसे 600 रुपए कम मिलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर जब 23% लाभ की जगह 17% लाभ लेकर बेचता है तब उसे 600 रुपए कम प्राप्त होते हैं। यदि वह उसे 5% की हानि पर बेचना चाहे, यदि वह उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो जो भी लाइव देख रहे हो फटाफट कमेंट करके जवाब दें। आइए हम आपको ऐसे बताते चल रहे हैं। कह रहा है कि एक कोई वस्तु है, एक दुकानदार उसे कितने पर बेच रहा है, 23% लाभ, 123% बेच रहा है। लेकिन जब वह उसे कितना लाभ, उसके नए पेज पर लगाते हैं, दुकानदार उसे 23% लाभ लेकर बेचता है, लेकिन जब वो उसे 17% का लाभ लेकर बेचना चाहता है या बेचता है तब उसे जो रुपए है वे 600 रुपए कम मिलते हैं। तो एक कितना डिफरेंस होगा, 6%। तो 6% बराबर 600 रुपए, तो 1% बराबर 600/6। कह रहा है यदि उस वस्तु को 5% पर हानि पर बेचना चाहे, मान उसे 95 पर बेचना चाहे, कितने पे, 95 पे, तो 95 जब बेचना चाहेगा हो जाएगा कितना, 600 × 1। जब उस वस्तु को 5% हानि पर बेचना चाहेगा तो वस्तु कितने बिकेगी, 9500। कितने बिकेगी, 9500 में बिकेगी वस्तु, कितने बिकेगी, 9500 रुपए में बिकेगी। इस प्रकार इस तरह के जो सवाल हैं लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार आप हल करते रहेंगे तो पूरी तरीके से सीख जाएंगे। वास्तव में गणित उतना कठिन नहीं है जितना हम लोग मान कर बैठे हैं, जितना हम लोग सोच कर बैठे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेज आज आपकी ख़त्म होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसका। ठीक, क्योंकि ज़्यादा लंबा पढ़ेंगे तो हमें और आपको भी दिक्कत होने लगेगी। और आप अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर इस तरह से सर्च करिएगा, बिना स्पेस के जुड़िएगा इलर्निंग विद दुर्गेश से। तथा जो फेसबुक पेज है वो हमारा इलर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलर्निंग विद दुर्गेश, और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367, जिस पर आप व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर, नोट्स आदि संबंधित जानकारी यहाँ से उपलब्ध है, आपको यहाँ से ले सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा ये आज आपकी क्लास खत्म हो गई। परसेंट में जब कोई व्यक्ति बढ़ा कर बेचे, कम करके बेचे, या लाभ पर लाभ अर्जित करे, हानि पर हानि अर्जित करे, इस तरह के जो सवाल हैं वो खत्म हो गए। कल अब हम लोग एक नए तरह का सवाल पढ़ेंगे कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ाया जाता है कभी उसकी बिक्री बढ़ जाती है, कभी उसकी बिक्री कम हो जाती है, कभी कभी वस्तु का मूल्य कम करते हैं तो बिक्री अपने आप बढ़ जाती है। इस तरह के जो सवाल हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। कल का अध्याय इसके लिए और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा, ताकि कल का मतलब अगला लेक्चर जो होता है, कल का माने अगला लेक्चर जो होगा लाभ हानि का, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक बार जब कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा तो हम लोग उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को भी हल करेंगे, और इसी तरह लगातार एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता की दहलीज पर बढ़ते रहेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी चेक करके जरूर रखिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। इसी के साथ सीरीज आज की खत्म होती है। कल जो पढ़ेंगे इसके बाद की जो सीरीज पढ़ेंगे काफी महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे, वहां पर उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे, एक एक करके उनपे चर्चा करेंगे, और आप साथ में नोट्स बनाते चलेगा, लिखते चलेगा। एक बार अगर आप पूरी गणित पढ़ लेते हैं तो कोई भी किताब आपके सामने है आप उसे आसानी से पढ़ लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। गणित उतना कठिन नहीं जितना हम लोग मान के चलते, उतना सरल भी नहीं जितना हम लोग सोचते, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ेंगे बिना फार्मूले का, बिना सूत्र का, हम लोग एक बेहतर इतिहास रचेंगे आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।